दोस्तों कहते हैं कि गुजरात की हवा में ही व्यापार है, और देखा जाए तो ये बात साबित भी हो चुका है, और वो कैसे हम आगे इस वीडियो में जानने वाले हैं। अक्सर गुजरात के लोगों की ये खासियत होती है कि वो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी हद से गुजर जाते हैं, भले ही उन्हें लोगों के घर घर जाकर खुद अपना प्रोडक्ट क्यों ना बेचना पड़े। और ऐसे ही एक शख्स की कहानी हम आज आपको बताने वाले हैं, जिसने अपने सपने को सच करने के लिए अपनी अच्छी खासी सरकारी नौकरी छोड़ दी और साइकिल पर अपने प्रोडक्ट बेच बेच कर एक अरबों रुपए का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। दरअसल दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारत के फेमस डिटर्जेंट पाउडर निरमा के बारे में, जिसने एक लंबे अरसे तक इस इंडस्ट्री को पूरी तरह डोमिनेट किया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि निरमा कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे ये कंपनी इस इंडस्ट्री की मार्केट लीडर बनी, और वो क्या वजह है कि इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद भी आज ये ब्रांड खत्म होता जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1945 में, क्योंकि यही वो साल था जिसमें निरमा कंपनी के फाउंडर करसन भाई पटेल का जन्म हुआ था। करसन भाई के फादर गुजरात के मेसाहाड़ा शहर में रहने वाले एक नॉर्मल से किसान थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को केमिस्ट्री में बीएससी की पढ़ाई करवाई थी। ज्यादातर गुजरातियों की तरह करसन भाई भी अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते थे, लेकिन उस समय उनके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, जिसकी वजह से पढ़ाई पूरी होने के बाद वे एक लेबोरेटरी में लैब असिस्टेंट की जॉब करने लगे, और कुछ ही समय के बाद उन्हें गुजरात सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी में केमिस्ट की सरकारी नौकरी मिल गई। दोस्तों यहाँ तक देखें तो उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन उनके साथ ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दरअसल उनकी एक बेटी थी निरुपमा, जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और ये काफी दुख की बात है कि एक दिन रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। दोस्तों करसन भाई की ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ ऐसा बड़ा काम करे जिससे पूरे देश में उसका नाम हो, लेकिन अफसोस कि उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। ऐसे में उन्होंने सोचा कि भले ही उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन वो उसके नाम से एक इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करेंगे कि पूरे भारत में हर कोई उनकी बेटी का नाम जानेगा। बस दोस्तों फिर क्या था, वे तुरंत ही अपने घर के बैकयार्ड में एक डिटर्जेंट पाउडर को बनाने में जुट गए, और कुछ दिन अलग अलग केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने के बाद आखिरकार वे एक जबरदस्त वॉशिंग पाउडर का फार्मूला खोजने में सफल हो गए। इसके बाद ईयर 1969 में उन्होंने अपने उस डिटर्जेंट पाउडर को निरमा के नाम से मार्केट में लॉन्च कर दिया। दोस्तों यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि करसन भाई निरुपमा को प्यार से निरमा कहते थे, इसलिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट व कंपनी का नाम निरमा रखा था। यहाँ तक कि निरमा डिटर्जेंट के पैकेट पर जो छोटी सी बच्ची नजर आती है, वो असल में करसन भाई की बेटी निरमा का असली फोटो है। ये वो दौर था जब डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल सिर्फ बड़े शहरों में रहने वाले अमीर लोग ही कर पाते थे, क्योंकि उस समय मार्केट में सबसे सस्ता डिटर्जेंट पाउडर हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का सिर्फ 13 रुपए किलो मिलता था, और उस समय 13 रुपए मिडिल क्लास लोगों के लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। दोस्तों यहाँ पर करसन भाई को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई, क्योंकि उस समय मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए सस्ते डिटर्जेंट का ऑप्शन मार्केट में मौजूद नहीं था। ऐसे में दोस्तों उन्होंने क्या किया कि निरमा डिटर्जेंट पाउडर सिर्फ 3 रुपए पर किलो के भाव से मार्केट में उतार दिया। कहते हैं कि शुरुआत के उस दौर में वे साइकिल से लोगों के घर घर जाकर अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, और ये काम वे सुबह में नौकरी पर जाने से पहले और शाम को नौकरी से वापस आने के बाद करते थे। दोस्तों करसन भाई पटेल को अपने प्रोडक्ट पर इतना भरोसा था कि वे इसे 100% मनी बैक गारंटी के साथ सेल कर रहे थे, यानी यूज करने के बाद प्रोडक्ट अगर पसंद नहीं आया तो कस्टमर उनसे अपना पूरा पैसा वापस ले सकता था। लेकिन दोस्तों निरमा डिटर्जेंट की क्वालिटी इतनी जबरदस्त थी कि कोई भी इसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद वापस नहीं करता था, साथ ही इसकी कीमत भी दूसरे डिटर्जेंट पाउडर से लगभग 4 गुना कम थी, जिसके चलते गरीब से गरीब लोग भी इसे अफोर्ड कर लेते थे। अब करसन भाई का ये प्रोडक्ट तो लोगों को पसंद आ गया था, लेकिन नौकरी के चलते वे इस बिजनेस को ज्यादा समय नहीं दे पा रहे थे, और इसीलिए उनके इस कंपनी का ग्रोथ भी रुका हुआ था। ऐसे में दोस्तों उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी, जिससे कि बिजनेस पर फोकस बढ़ाया जा सके, जो कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक सरकारी नौकरी छोड़ना कितना बड़ा फैसला होता है। उनके सामने अब नया चैलेंज ये था कि निरमा को पूरे भारत में फैलाया कैसे जाए। इसके लिए उन्होंने कुछ सेल्समैन हायर किए और उनके जरिए अपना प्रोडक्ट दुकानदारों तक भेजने लगे, ताकि लोग जब दुकान पर सर्फ खरीदने जाएं तो उन्हें पता चले कि मार्केट में उसका एक अल्टरनेटिव ही अवेलेबल है। दोस्तों अब रिटेलर्स अपनी शॉप पर सर्फ के साथ निरमा को बेचने के लिए राजी तो हो गए थे, लेकिन इसमें दिक्कत ये हुई कि ज्यादातर शॉपकीपर निरमा को नगद की जगह उधार लेने लगे। दरअसल रिटेलर्स को ये डर था कि निरमा के न बिक पाने पर कहीं उनका नुकसान न हो जाए, इसलिए वो पहले सेल्समैन से माल उधार में लेते थे, और जब उनका वो माल बिक जाता था तब वो उसका पेमेंट करते थे। दोस्तों रिटेलर्स के ऐसा करने से करसन भाई को पैसों की कमी होने लगी, और ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कंपनी पर बैंकरप्ट होने का खतरा मंडराने लगा। लेकिन तभी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए करसन भाई पटेल ने एक ऐसी कमाल की स्ट्रेटजी अपनाई, जिसने एक ही झटके में निरमा को मार्केट लीडर बना दिया। दरअसल उन्होंने सबसे पहला काम ये किया
की मार्केट से अपने 90% स्टॉक को वापस कंपनी में मंगवा लिया और सारा माल वापस आ जाने के बाद उन्होंने अपना पहला टीवी कॉमर्शियल सबकी पसंद निर्मा लॉन्च कर दिया। दोस्तों, इस एड ने रातों रात इस इंडस्ट्री का पूरा गेम चेंज कर दिया। असल में लोग जब इस एड को देखकर मार्केट में निर्मा खरीदने गए तो उन्हें ये किसी भी दुकान पर नहीं मिलता था और इसके ना मिलने की वजह से लोगों को लगता था कि ये मार्केट में आते ही बिक जाता है। इस तरह लोगों के बीच निर्मा का डिमांड हद से ज्यादा बढ़ गया और इस डिमांड की वजह से अब उल्टा शॉपकीपर्स निर्मा के प्रोडक्ट की मांग करने लगे। जो रिटेलर्स पहले निर्मा को उधार लेने में भी नखरे करते थे, अब वो इसके लिए नगद ही नहीं बल्कि एडवांस पेमेंट करने के लिए भी राजी हो गए थे। यानी अब पूरा कंट्रोल निर्मा के हाथों में आ गया था। लोगों ने करीब एक महीने तक निर्मा का टीवी पर ऐड देखा और उसके बाद जैसे ही कंपनी ने इसे मार्केट में वापस उतारा, इसकी सेल्स एकदम से आसमान छूने लगी और अपने कंपटीटर्स को पीछे छोड़कर ये उस साल का सबसे ज्यादा बिकने वाला वॉशिंग पाउडर बन गया और साल 1988 आते आते इसने 60% मार्केट शेयर एक्वायर कर लिया। दोस्तों, ये वो दौर था जब निर्मा ने करीब 10 सालों तक दूसरे किसी भी ब्रांड को अपने आसपास भटकने तक नहीं दिया था। इसके बाद कंपनी ने अपने कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए जिसमें निर्मा साबुन का नाम भी आता है। दरअसल दोस्तों, निर्मा डिटर्जेंट की तरह निर्मा साबुन का टीवी एड सौंदर्य साबुन निर्मा बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इस तरह अपनी सस्ती कीमत, बेहद मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, पावरफुल एडवर्टाइजमेंट और अपने प्रोडक्ट्स के इनोवेटिव होने के चलते सिर्फ कुछ ही सालों में निर्मा भारत की सबसे कामयाब कंपनियों में से एक बन गई थी। लेकिन दोस्तों, आज ये देखकर काफी हैरानी होती है कि एक समय निर्मा का जो मार्केट शेयर 60% हुआ करता था, वो साल 2015 तक आते आते सिर्फ 12% रह गया। अब सवाल ये आता है कि सब कुछ इतना अच्छा और परफेक्ट होने के बाद निर्मा आखिर फेल कैसे हुआ? जो निर्मा पहले हर एक घर में नजर आता था, आज दुकानों पर भी वो दिखाई क्यों नहीं देता? असल में दोस्तों, निर्मा के इस डाउनफॉल के पीछे कई अलग अलग रीजंस हैं। तो चलो एक एक करके उन सभी रीजंस को जानते हैं। नंबर वन, इनोवेशन। दोस्तों, निर्मा के फेल होने का एक इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि उन्होंने इनोवेशन करना बंद कर दिया। जिस समय निर्मा ने मार्केट में एंटर किया था, तब उस समय के हिसाब से उनका वो प्रोडक्ट काफी ज्यादा इनोवेटिव था, लेकिन इसके बाद निर्मा ने लोगों के नीड के अकॉर्डिंग इनोवेट नहीं कर पाया और इसीलिए ये नए नए कॉम्पिटिशन के सामने मार्केट में पीछे रह गया। नंबर टू, डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों, निर्मा को जब सक्सेस मिला तो उन्होंने तुरंत अपने कई सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर दिया। देखा जाए तो उनका ऐसा करना पूरी तरह गलत भी नहीं था, लेकिन इससे उन्हें नुकसान ये हुआ कि उनका फोकस अपने हीरो प्रोडक्ट वॉशिंग पाउडर से हटकर अलग अलग प्रोडक्ट्स में बढ़ गया। ऐसे में वो समय के साथ लोगों की बदलती हुई जरूरतों को समझने में नाकाम हो गए और वे खुद ये बात भूल गए कि उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है। नंबर थ्री, कंज्यूमर परसेप्शन। दोस्तों, निर्मा ने शुरुआत से ही अपनी एक ऐसी इमेज बनाई थी जिससे लोगों को ये एक सस्ता और मिडिल क्लास ब्रांड नजर आता था। अब ये चीज साल 2010 से पहले तक कंपनी के लिए फायदेमंद रही, लेकिन उसके बाद निर्मा के प्रति लोगों का ये परसेप्शन उल्टा उसे नुकसान पहुंचाने लगा। दरअसल 2010 के बाद मार्केट काफी तेजी से बदलने लगा। अब लोगों को सिर्फ सस्ता नहीं बल्कि अच्छी पैकेजिंग और प्रीमियम नजर आने वाले प्रोडक्ट्स चाहिए था। निर्मा ने लोगों के इस परसेप्शन को चेंज करने की काफी कोशिश भी की, यहाँ तक कि उन्होंने निर्मा ब्लू, निर्मा एडवांस और सुपर निर्मा जैसे कई अलग अलग प्रीमियम डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च भी किए, लेकिन फिर भी वो लोगों का परसेप्शन चेंज नहीं कर पाए। नंबर फोर, बैड मार्केटिंग। दोस्तों, निर्मा एक ऐसा ब्रांड है जिसने अपने टीवी एड के दम पर सक्सेस हासिल किया था, लेकिन साल 2012 के बाद से ये मजबूत पहलू उल्टा उसकी कमजोरी बन गई। दरअसल 2010 में जब निर्मा ने अपना मार्केट शेयर लूज करना शुरू किया तो कुछ अलग करने की कोशिश में कंपनी ने ऐसे ऐसे अजीब एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाए जो लोगों पर बेअसर साबित हुए। यही वजह है कि पिछले 10 सालों में निर्मा का एक भी टीवी एड आज लोगों को याद नहीं आता है, जबकि जो एड उन्होंने आज से 35 साल पहले बनाया था उसका जिंगल लोग अभी भी गुनगुनाते रहते हैं। इससे पता चलता है कि पिछले 10-15 सालों में निर्मा की मार्केटिंग काफी वीक रही है और ये भी उसके डाउनफॉल का एक बड़ा रीजन है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ब्रांड इनोवेटिव और प्रीमियम प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेकर आए और पहले के जैसे असरदार एडवर्टाइजिंग कैंपेन रन करें तो आज भी वो मार्केट में अपने खोए हुए डोमिनेंस को फिर से हासिल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे 7 महिलाओं ने लिज्जत पापड़ जैसी करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी, तो इस वीडियो को आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।